आघात वर्धनीयता धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा धातुओं को चोट करके, उन पर प्रहार करके, उन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी धातुएं जो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, वो धातुएं अपने आप में क्या कहलाती हैं? आघात वर्धनीय धातुएं, और धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी धातुओं पर प्रहार किया जाता है, चोट किया जाता है, तो वो टूटने की बजाय किसमें बदल जाते हैं? पतली चादरों के रूप में बदल सकते हैं, शीट्स में हम उनको बदल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट आती है, ठीक है, कवर करने के लिए शेड के रूप में हम एल्यूमिनियम की शीट्स का यूज़ करते हैं, तो टिन की ही शीट होती है। उसी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं उनमें गुण पाया जाता है कि उन्हें पीटने पर, उन पर प्रहार करने पर, अगर उन पर चोट किया जाए तो आसानी से वो किसके रूप में बदल सकती हैं? पतली चादरों के रूप में बदल सकती हैं, और धातुओं के इस विशिष्ट गुण को नाम दिया जाता है आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट गुण हमारे पास है तन्यता। ये भी धातुओं को एक अभिलाक्षणिक गुण है जो केवल धातुओं में ही पाया जाता है। वे धातुएं जिन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है, उन्हें तन्य कहते हैं, और उनके इस गुण को तन्यता कहा जाता है। यानी कि तन्यता क्या होता है? धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा उन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि धातुएं जो होती हैं उन्हें उनके आकार से बदलकर किसमें बदल सकते हैं? उनसे पतले पतले महीन तार बनाए जा सकते हैं, और उनका उपयोग अलग अलग रूप से किया जाता है। तो धातुएं जो होती हैं उनमें एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उन्हें खींच कर किसमें बदल सकते हैं? पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। तो पतले तारों में बदलने का जो गुण है, उस गुण को क्या नाम दिया जाता है? तन्यता। धातुओं का ये जो गुण है जिसकी वजह से उन्हें तारों के रूप में बदला जा सकता है, वो गुण क्या कहलाता है? तन्यता। और वो धातुएं क्या कहलाती हैं? तन्य धातुएं। जैसे अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है, एजी यानी कि चांदी हमारी जो है, वो सबसे अधिक तन्य धातु होती है। ठीक है, सिल्वर हो गया, चांदी के तार बनाए जाते हैं, सोने के तार बनाए जाते हैं, तांबे के तार बनाए जाते हैं, सबका अपना अपना यूज़ है। तांबे के तार जो है हमारे लाइटिंग में काम में आते हैं, बिजली वगैरह में काम में आते हैं, उसी एल्यूमिनियम के तार होते हैं। तो इस तरीके से जो धातुएं होती हैं उनमें गुण होता है कि आसानी से उन्हें खींच कर उनसे तार बनाए जाते हैं, और ये गुण उनका क्या कहलाता है? तन्यता। ठीक है, सोने चांदी के जो तार होते हैं, पतले तार बनाकर उनसे आसानी से क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाने में काम में लिया जाता है। महीन और पतले जो काम होता है, बारीक काम, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनमें अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें धातुओं का अगला गुण, धातुएं जो होती हैं उनकी बाह्य सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। यानी कि धातुएं जो होती हैं वो चमकती हैं, चमकदार सतह वाली होती हैं। जैसे कोई भी धातु आप देख लीजिए, सोना चमकदार है, चांदी चमकदार है, जो हमारी एल्यूमिनियम होती है उनमें भी चमक होती है। तो नई धातुएं जब होती हैं तो उन सब में क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अधातुओं। अधातुएं कहते किसे हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब वो किस पे क्या होगा कि उनके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से उन पर कैसा आवेश आ जाता है? माइनस यानी ऋण आवेश आ जाता है, और वो क्या बन जाते हैं? ऋणायन बन जाते हैं। तो ये जो गुण है वो किसका होता है? अधातुओं का। यानी अधातुएं जो होती हैं वो आसानी से क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ऋणायन के रूप में बदल जाती हैं। सामान्य जो धातु थी, ये जो तत्व है अपने आप में, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही किसमें बदल जाते हैं? ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जिनका सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण गुणधर्म है। इसके अलावा और गुणों की, अन्य गुणों की अगर हम बात करें तो अधातुएं जो होती हैं उनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? गैसीय। यानी कि अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? गैसीय रूप में पाई जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल अपनी आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि अधिकांश जितने भी हमारे पास दाईं तरफ जो तत्व हैं वो सब क्या हैं? अधातुएं हैं। और अधातुएं जो होती हैं
वो सभी किसके रूप में पाई जाती हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, सब गैसीय अवस्था में होती हैं। जैसे जैसे हमारे पास हीलियम हो गया, ठीक है, इसके अलावा कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी अधातुएं हैं, गैसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन अधातुओं में से दो अधातुएं ऐसी भी हैं जो कि क्या हैं, इनका अपवाद हैं, यानी कि जो गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। पहला अपवाद हमारे पास है कार्बन। कार्बन अधातु जो है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन जो है वो किसके रूप में मिलता है? ठोस के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है, तो कार्बन ठोस कणों के रूप में पाया जाता है। उसी तरीके से ब्रोमीन एक अधातु है जो कि किस रूप में पाई जाती है? द्रव रूप में पाई जाती है, लिक्विड होती है। तो ये दो अधातुएं जो हैं वो अधातुओं के इस गुण का क्या है? अपवाद है। नेक्स्ट, अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। वही पॉइंट है ये कि अधातुएं जो होती हैं वो आसानी से क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ऋणायन में। तो अधातुएं जो है वो कैसी प्रवृत्ति दर्शाती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की और ऋणायन बनाने की। नेक्स्ट पॉइंट, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अर्थात विद्युत भी उनमें से प्रवाहित नहीं हो पाती है, अधातुओं में से विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं, ठीक है, और ऊष्मा की भी क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं हो सकती है। विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधातुएं ना तो आघात वर्धनीय होती हैं और ना ही कैसी होती हैं? तन्य होती हैं, यानी कि ना तो इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और ना ही तन्यता का गुण पाया जाता है, बल्कि ये धातुएं जो होती हैं वो कैसी प्रकृति की होती हैं? भंगुर प्रकृति की होती हैं। मींस अगर उन पे चोट किए जाए, उनको प्रहार किया जाए, तो तभी की तभी वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाती हैं? टुकड़ों में क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। जबकि धातुएं जो होती हैं वो टूटने की बजाय क्या होती हैं? या तो दब जाती हैं, और दब के उस जगह से वो पिचक जाती हैं, तो उनके आकार में क्या हो जाता है? थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अधातुएं जो हैं उनमें ऐसा कोई गुण नहीं होता है, ना तो हम उनसे शीट्स बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, और ना ही हम उनसे क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं, क्योंकि अगर उन पर प्रहार किया जाएगा तो वो आसानी से क्या हो जाएंगी? टूट जाती हैं। जैसे कोयले का टुकड़ा, सिंपल हमारे सामने है कि हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कोयला जो है, उस पर आप चोट करो तो कोयला क्या हो जाता है? टूट के चूरा हो जाता है। आप उससे कोई चद्दर, कोई उससे पतली शीट नहीं बना सकते, उससे कोई तार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो कैसी प्रकृति को दर्शाता है? भंगुर प्रकृति, ठीक है। तो अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ना तो आघात वर्धनी होती है और ना ही तन्य होती है। अधातुएं प्रतिध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुओं में गुण था कि उनसे क्या उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, वो सोनोरस होती हैं। मीन्स अगर वो किसी सतह से, हार्ड सतह से, कठोर सतह से टकराती हैं, धातुएं, धातु की मैं बात कर रही हूँ कि धातु अगर किसी कठोर सतह से टकराती है तो उससे क्या उत्पन्न होती है? आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे हमारा कॉइन, सिक्का जो होता है, पैसे जो होते हैं, सिक्के जब जमीन पर गिरते हैं तो जमीन कठोर सतह है और सिक्का अपने आप में क्या है? धातु है, ठीक है। तो वो सिक्का जब उस सतह से टकराता है तो क्या होती है? आवाज़ उत्पन्न होती है, ओके। लोहा है, लोहे की कोई कील है, वो जब जमीन पे गिरती है तो उसकी आवाज़ होती है और हमें पता चल जाता है कि कोई वस्तु जो है वो नीचे गिरी है। जबकि अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, वो सोनोरस नहीं होती हैं, वो किसी भारी सतह से टकराएंगी तो उनसे कोई विशिष्ट आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है, किसी विशिष्ट प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट, अधातुओं की बाह्य सतह भी चमकदार नहीं होती है। अधातुएं कैसी होती हैं? बिना चमक वाली होती हैं, चमक रहित होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अपवाद है, केवल एक अधातु ऐसी है जो कैसी होती है? चमकदार होती है। यहाँ पे अपवाद है किसका? आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है लेकिन फिर भी क्या है? चमकदार होती है।
ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण के रूप में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि बहुत सारे तत्व हैं हमारे पास जो कि क्या हैं, अधातु हैं। तो ये सब अधातु के गुणधर्म हो गए। अगला हमारे पास पॉइंट आता है उपधातुएं। हम क्या पढ़ रहे थे, हम तत्व पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं या द्रव्य जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पदार्थों को हमने दो भागों में विभाजित किया था। और उनके बाद में हम यहाँ पे दो आधार पे हमने विभाजित किया था, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। तो हम यहाँ पे जो रासायनिक आधार है उसकी बात करें कि रासायनिक आधार पे जो पदार्थ हैं वो दो तरीके के थे। एक होते हैं हमारे पास शुद्ध पदार्थ, रासायनिक आधार पर हम बात कर रहे हैं शुद्ध थे, और दूसरे होते हैं हमारे पास मिश्रण। शुद्ध पदार्थों में हम बात कर रहे थे कि शुद्ध पदार्थ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो तत्व होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो फिलहाल हम तत्व पढ़ रहे हैं, तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तत्व भी तीन तरीके के थे। तत्व को फिर से तीन भागों में विभाजित किया जाता है कि तत्व या तो धातु हो सकता है या फिर वो अधातु हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है तीसरा पॉइंट, वो उपधातु भी हो सकता है। तो तत्व को फिर से तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु अधातु के बारे में हम देख चुके हैं, आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, उपधातुओं की। उपधातु ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जो ना तो पूरी तरीके से धातुओं के रूप में होते हैं ना ही अधातु के रूप में होते हैं, बल्कि वो दोनों के ही गुणों को दर्शाते हैं। कुछ गुणधर्म उनके धातुओं के जैसे होते हैं और कुछ गुणधर्म उनके अधातुओं जैसे होते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, उपधातु, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। वो दोनों के मिडिल का काम करता है, दोनों के बीच वाले का काम, बीच का काम करते हैं, मीडिएटर होते हैं एक तरीके से, दोनों का मिक्सर, उपधातु कहलाते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक आदि। आवर्त सारणी के, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल, अगर हम बात की स्पेशल तत्व की बात करें तो हमारा एक नोट है, आवर्त सारणी के प्रारंभिक 92 तत्व, 92 जो तत्व हैं प्राकृतिक तत्व हैं, तथा परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले, परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले तत्वों को मानव निर्मित तत्व या संश्लेषित तत्व या परायूरेनियम तत्व कहा जाता है। कि आवर्त सारणी के जो शुरुआत, हमारे पास जो पूरी आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं फिलहाल, उनमें प्रारंभिक जो 92 तत्व हैं, 92 तत्व हैं, वो सब कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। और उसके बाद आने वाले जो तत्व हैं, 92 के बाद वाले जो तत्व हैं, उनमें से तत्व जो हैं वो तत्व मानव निर्मित हैं, इसीलिए उन्हें मानव निर्मित तत्व या संश्लेषित, यानी जो कृत्रिम होते हैं बनाए जाते हैं वही तत्व संश्लेषित कहलाते हैं, संश्लेषित तत्व। या फिर यूरेनियम होता है 92 पे, इसीलिए उसके बाद आ रहे हैं, तो वो कहलाते हैं परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो यूरेनियम के बाद आते हैं। यूरेनियम कितने नंबर पे आ रहा है, 92 पे आ रहा है, तो 92 नंबर के बाद आने वाले सभी तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ हमारे पास तत्वों का वर्गीकरण हो जाता है पूरा, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट हमारे यौगिक की। तत्वों में वर्गीकरण के बाद अब हम देखते हैं, शुद्ध पदार्थ का एक रूप तत्व था और शुद्ध पदार्थ का दूसरा रूप क्या है, यौगिक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यौगिकों की। यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो यौगिक का निर्माण होता है।
भौतिक विधियों के द्वारा यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को पृथक करना संभव है, परंतु रासायनिक विधि से उन्हें अलग किया जा सकता है। यानी क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक परमाणु जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जब दो अलग अलग तरीके के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने भी कैसे हैं, जुड़ने के लिए भी उनका क्या होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, तो उनसे मिलकर जो नया पदार्थ बनता है, ये पदार्थ अपने आप में क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ किसी निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो नया पदार्थ क्या कहलाता है, वो नया पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कैसा है कि वो तत्व कैसे अनुपात में जुड़ने चाहिए, निश्चित अनुपात में जुड़ने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का निर्माण किस तरीके से हुआ है। अगर हम इसको तोड़ें तो तोड़ने पर हमें इसमें क्या दिखाई देता है, C+O+O, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तीन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और तीन परमाणुओं में से दो परमाणु एक जैसे हैं, जो कि ऑक्सीजन के परमाणु हैं दोनों ही, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु हैं, और एक परमाणु कैसा है, कार्बन परमाणु है। तो दो तत्व यहाँ पे काम आ रहे हैं, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, कि कार्बन का तो एक परमाणु जुड़ेगा, अनुपात क्या है इसका, एक, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़ेंगे, दो। तो इन दोनों का एक फिक्स अनुपात हो गया कि किस अनुपात में जुड़ेंगे, कार्बन एक होना चाहिए और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो दो ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, CO2 का। तो CO2 अपने आप में एक क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, जिसकी संरचना में, जिसके संगठन में परमाणुओं की संख्या क्या है, निश्चित है, कि एक कार्बन परमाणु भाग लेगा और दो ऑक्सीजन परमाणु भाग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे जितने भी कण मिक्स करें, लेकिन जुड़ने का अनुपात उनका उसी अकॉर्डिंग रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए आपको H2O बनाना है, तो H2O को बनाने के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, प्लस में एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु चाहिए, एक ऑक्सीजन परमाणु चाहिए, ये O है, ओके, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, H2O का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने कोई अभिक्रिया कराई है और उसमें हमने क्या किया है कि दो तो हमने लिए हैं हाइड्रोजन परमाणु, फॉर एग्जांपल H2 ले लिया, H2 में अपने आप में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के भी कितने कण ले लिए, दो ले लिए, H2 प्लस में O2, दो तरीके के परमाणु, दो हमारे पास परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी यहाँ पे दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। तो दोनों की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के द्वारा ये किसका निर्माण करेंगे, H2O का ही निर्माण करेंगे, जल ही बनाएंगे, जिसमें कि H और O जो है दोनों का रेशियो कितना रहेगा, 2:1, यानी कि जब हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु भाग लेगा, केवल एक, चाहे वहाँ पे दो ही परमाणु उपस्थित क्यों ना हो, यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है रासायनिक संगठन में कि कितने परमाणु आपके पास उपस्थित हैं, उनका अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है कि इस अनुपात में जुड़ने हैं तो हमेशा उसी अनुपात में
पदार्थ जुड़ते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, यौगिक का। इसीलिए H2O भी एक क्या है, यौगिक है। तो कुल मिला के हमारे पास एक बात निकल के आती है कि यौगिक जो होते हैं उसमें जब भी परमाणु जुड़ेंगे तो वो हमेशा कैसे जुड़ेंगे, एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा यौगिक जो होते हैं उसके जो परमाणु होते हैं उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि सिंपल भौतिक विधि के द्वारा, जैसे उनको गर्म करके या उन पर प्रहार करके, चोट करके, तो जो भौतिक विधियाँ होती हैं उन भौतिक विधियों के द्वारा हम इनके कणों को, इनके परमाणुओं को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक विधियों से ये संभव है। ठीक है, जैसे यौगिक के कुछ उदाहरण हैं CO2, H2O, NH3, C6H12O6 आदि। ग्लूकोज है, हमारे पास एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, यौगिक के, जिनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और निश्चित अनुपात में ही परमाणु आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं मिश्रण की। हमारे वर्गीकरण का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मिश्रण। यहाँ पे हमारे पास शुद्ध पदार्थ वाला वर्गीकरण पूरा होता है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मिश्रण की। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, तो यौगिक जो होते हैं वो खुद भी दो तरीके के होते हैं। यौगिक भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक। यौगिकों को भी हमने आगे वर्गीकृत किया है, तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। यौगिकों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक होते हैं हमारे पास कार्बनिक यौगिक और दूसरे हैं हमारे पास अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, सिंपली शुरुआत में कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वो तत्व क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और उसके अलावा अगर किसी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए तत्व किसकी कैटेगरी में आते हैं, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर्स हैं उनमें, डिस्क्रिप्शन से है ये फिर पॉइंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिश्रण की। मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर एक दूसरे के साथ किसी अनिश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिलाया जाए तो ये क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, जो कि दो प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में जो पदार्थों को मिलाया जाता है वो कैसे मिलाते हैं, कि हमने कोई भी दो पदार्थ लिए, दो अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं, और उन अलग अलग पदार्थों को हमने क्या किया है, एक दूसरे के साथ मिला दिया है, एक दूसरे में मिक्स कर दिया है, लेकिन कैसे मिलाया है, अनिश्चित अनुपात में। यानी कि कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी को भी कम ले लिया, किसी को भी ज़्यादा ले लिया। तो दो पदार्थ जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं किसी भी अनुपात में, नहीं पता कौन कम है कौन ज़्यादा है, तो उनसे जो नया पदार्थ बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। यानी मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, जबकि यौगिक जो होते हैं उनके अंदर कैसा अनुपात पाया जाता है, निश्चित अनुपात पाया जाता है। तो यौगिक और मिश्रण दोनों में सिर्फ एक यही अंतर है, जो कि इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है, यौगिक भी दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और मिश्रण भी दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। लेकिन यौगिक में जब वो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो किस में जुड़ते हैं, निश्चित अनुपात के रूप में, लेकिन मिश्रण में जब परमाणु जुड़ेंगे तो किस रूप में जुड़ेंगे, अनिश्चित अनुपात में। यानी कि क्वांटिटी जो होती है वो कितनी भी हो सकती है, कम ज़्यादा, किसी को भी आप ज़्यादा ले सकते हो, किसी को कम ले सकते हो, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण केवल जो होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं, भौतिक रूप से मिलते हैं, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ में क्या दिखाई देते हैं, ऊपर ऊपर से मिक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है कि मिश्रण भी दो प्रकार के हो सकते हैं, मिश्रण दो प्रकार के पाए जाते हैं।
दो तरीके के मिश्रण हमारे पास होते हैं। पहला हम बात करते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे कौन से होते हैं? विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, दो तरीके के मिश्रण हमारे पास उपस्थित होते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित घटक, घटक यानी कि वो मिश्रण जिन कणों से मिलकर बना है, उनकी बात हो रही है, कणों की बात हो रही है। ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित कण पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं, यानी पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और मिश्रण के प्रत्येक भाग में कण यानी घटकों का रासायनिक संगठन समान होता है और बाहर से देखने पर भी एक ही प्रवस्था दिखाई देती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें कि अलग अलग तरीके के कण उपस्थित हैं, लेकिन वो कण एक दूसरे के साथ पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं, और अगर हम उसको देखें तो बाहर से देखने पर वो पूरा मिश्रण एक ही दिखाई देता है, अलग अलग उसमें व्यवस्थाएं बीच में दिखाई नहीं देती हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखो, चीनी और पानी, ये सबसे अच्छा एक इजी एग्जांपल है जो हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है। ठीक है, चीनी एक अलग पदार्थ है और पानी एक अलग पदार्थ है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो चीनी में जब सॉरी पानी में जब चीनी को डाला जाता है, ये जल के कण है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? चीनी के कणों को डाल रहे हैं। चीनी के कण हम जब इसमें भौतिक रूप से मिलाते हैं, तो अभी ये कण हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं जब तक ये चीनी घुली नहीं है। लेकिन अब हमने इसको घोला है, स्टीयर करा है, और स्टीयर करके हमने इसको घोल दिया है, तो जैसे ही ये पानी या ये दोनों मिक्स होते हैं आपस में, तो इनसे जो मिश्रण बनता है, यानी कि क्या बन जाता है? शरबत जो बन जाता है दोनों से मिलकर, उस शरबत में केवल एक ही प्रावस्था दिखाई देती है। अब आप उसमें से पानी का कण कौन सा है या चीनी का कण कौन सा है, ये पहचान नहीं सकते हो। दोनों का जो मिश्रण बन गया है, उस मिश्रण में चीनी और पानी के कणों को सामान्य रूप से अलग अलग करना संभव नहीं है। तो मिश्रण जो ऐसा मिश्रण जिसमें कि मिलने वाले दोनों कण या दोनों जो घटक हैं जिनको हम मिला रहे हैं, जिसका मिश्रण बना रहे हैं, वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। उनको मिलने के बाद उनमें से पहचानना मुश्किल होता है, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं सामान्य विधि से। तो ऐसा मिश्रण बाहर से देखने पर क्या दिखाई देता है? एक समान। एक समान दिखने का मतलब है कि हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं कुछ चीनी इकट्ठी है, यहाँ कुछ चीनी इकट्ठी हो गई है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मिश्रण जो है वो एक समान रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मिश्रण अपने आप में क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रत्येक भाग है, मिश्रण के प्रत्येक भाग में जो रासायनिक संगठन होगा वो क्या होता है? समान होता है। रासायनिक संगठन समान होने का मतलब कि अगर हम इस शरबत की बात करें, तो इस शरबत को अगर हम इसको टेस्ट करके देखें, ठीक है, क्योंकि चीनी हमें दिख तो रही नहीं है, तो हम उसको टेस्ट ही करके बता सकते हैं। अगर हम इसके स्वाद की बात करें, तो इस शरबत का ऊपर वाले हिस्से से लिया गया भाग, इसका टेस्ट, और इसकी तली पे से लिए गए का भाग, पूर्ण रूप से चीनी घुली होनी चाहिए तब हम बात कर रहे हैं, इस तली पे से लिए गए शरबत का भाग, दोनों में से आप किसी का भी स्वाद लें, दोनों का ही स्वाद क्या होगा? एक समान होगा, एक समान स्वाद है। उसका रीजन, क्योंकि चीनी के जितने भी कण यहाँ पे घुले हुए हैं, उतने ही कण यहाँ घुले हुए हैं, तो चीनी जो है वो पूरे मिश्रण में समान रूप से क्या हो चुकी है? फैल चुकी है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, तो चीनी के कण उस मिश्रण में समान रूप से, पूरे में एक समान रूप से फैल गए हैं, एक समान रूप से मिक्स हो गए हैं पानी के कणों के साथ में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण अपने आप में कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। लेकिन ये चीनी के कण अब हमें घुलने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए प्रावस्था क्या होती है? एक प्रावस्था, इसको हम कहते हैं कि एक जैसी प्रावस्था में दिखाई देते हैं बाहर से देखने पर। ठीक है, तो ये मिश्रण क्या कहलाते हैं? हमारे समांगी मिश्रण। जैसे वायु का मिश्रण, वायु भी अपने आप में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण आदि।
क्लियर। अगला हमारे पास आता है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिनमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय नहीं हो, यानी कि पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं और मिश्रण के प्रत्येक भाग में घटकों का रासायनिक संगठन भी कैसा होता है, असमान होता है तथा बाहर से देखने पर एक से अधिक प्रवस्थाएं दिखाई देती हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि ऐसे मिश्रण जिनको हमने दो अलग अलग पदार्थों को मिलाया तो है, लेकिन उनको मिलाने पर जो मिश्रण बना है उस मिश्रण में भौतिक रूप से ही वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, और सिंपल साधारण भौतिक रूप से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो कण हैं उनके जो घटक हैं वो एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिश्रणीय नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, असमांगी मिश्रण, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं असमांगी मिश्रण को, तो यहाँ पे हमारे पास है दाल प्लस पानी। दाल और पानी को अगर हमने मिलाया तो हमें पता है कि पानी में जब हम दाल को डालते हैं तो जब हमने दाल को उसमें डाला है, उसको हिलाते हैं, तो थोड़ी देर दाल के कण जो हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं उसमें, इधर उधर हिलाने पर इधर उधर गति करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दें तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में जल के कण और दाल के कण दोनों अलग अलग हो जाते हैं और आसानी से साफ रूप से आंखों से दिखाई देते हैं कि पानी जो है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है और दाल जो है वो नीचे क्या हो जाती है, तले पर जमा हो जाती है। यानी कि पूरे मिश्रण में अगर हम बात करें, मिश्रण जो है अपने आप में यहाँ से यहाँ तक ही पूरा मिश्रण कहलाएगा, तो इस मिश्रण में कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर दाल नहीं है और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर दाल के कण उपस्थित हैं। उस तरीके से कुछ हिस्से में पानी अधिक है, पानी कम है, उस तरीके से। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस एक मिश्रण के अंदर इसके जो दो अलग अलग संगठक हैं जिनसे मिलकर बना है, उनका संगठन एक समान नहीं है, कहीं तो वो पदार्थ क्या है ज़्यादा है और कहीं वो पदार्थ बहुत ही कम है। तो इस तरीके से एक ऐसा मिश्रण जिसमें कि मिलने वाले दोनों पदार्थ एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी कि घुल नहीं रहे एक दूसरे के अंदर, बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, और उनका जो संगठन है रासायनिक संगठन वो कैसा है, असमान होता है, और बाहर से देखने पर उसमें क्या दिखती हैं, दो प्रवस्थाएं दिखाई देती हैं, एक लेयर दिखाई दे रही है जहाँ से पानी अलग है और दाल क्या है अलग है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल होता है जल यानी पानी और तेल का। पानी और तेल को अगर आप मिला भी दोगे, मिक्स भी कर दो, आपने इन दोनों को मिला दिया, तो कभी भी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते नहीं हैं। तेल जो होता है वो छोटी छोटी ड्रॉप्स यानी कि बूंदों के रूप में पानी की सतह के ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जबकि नीचे की सतह में क्या इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो तेल और पानी को जब हम मिलाते हैं तो तेल और पानी दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है, दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तेल ऊपर जमा हो जाता है और पानी अलग। तो यहाँ हमें दो लेयर दिखाई देती हैं, एक लेयर तेल की बन जाती है और एक लेयर पानी की बन जाती है। तो ये कैसा मिश्रण हो गया जिसमें कि दोनों घटक जो हैं वो अलग अलग हैं, असमान रूप से फैले हुए हैं और दोनों की दो अलग अलग प्रवस्थाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं, जल और तेल का मिश्रण, दाल और चीनी का मिश्रण आदि, ठीक है। पेट्रोल का मिश्रण कह सकते हैं हम, पेट्रोल के साथ जल को मिलाना को भी मिश्रण यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से मिश्रण या तो समांगी हो सकते हैं या फिर कैसे होते हैं, विषमांगी हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें से हमें छांटना है, हमें ढूंढना है, निम्नलिखित को शुद्ध और पदार्थ और मिश्रण में विभाजित कीजिए। आपको बताना है कि कौन से पदार्थ शुद्ध हैं और कौन से पदार्थ मिश्रण हैं। ग्रेफाइट, दूध, ग्लूकोज, पीतल, तांबा, शरबत, आइसक्रीम, ऑक्सीजन, वायु,
24 कैरेट गोल्ड आदि, इन सब में से आपको पहचानना है कि कौन से शुद्ध पदार्थ हैं और कौन से मिश्रण हैं। तो शुद्ध पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो अगर फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो कि केवल एक ही तरह के, ऐसे पदार्थ जो एक तरह के कणों से मिलकर बने हों या एक समान निश्चित अनुपात में मिलकर विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हों, वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी उनका रासायनिक संगठन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, समान होने का मतलब है कि एक फिक्स निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो शुद्ध पदार्थों की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट अपने आप में एक तत्व है और तत्व जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। दूध, दूध जो है वो क्या है? एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर अगर हम बात करें तो दूध जो होती है उसमें फैट होती है, यानी वसा होती है। उसके हम अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो उसके अंदर वसा होती है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं उसके अंदर, और सिंपली अगर हम बात करें तो पानी भी उसके साथ मिक्स रहता ही है। तो इस तरीके से दूध जो होता है वो विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज अपने आप में क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ है। C6H12O6 एक निश्चित संरचना, एक निश्चित उसका सूत्र है, एक यौगिक है, और यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। पीतल धातु है, ये भी क्या है? शुद्ध पदार्थ। सॉरी, एक मिनट, पीतल जो है वो धातुओं का मिश्रण होती है। दो धातुएं जो हैं वो मिलकर, उनसे मिलकर क्या बनती है? पीतल बनती है। तो ये मिश्रण है एक तरीके का। ठीक है, तांबा, तांबा धातु जो है ये क्या है? हमारी धातु है, तो किसमें आएगी? शुद्ध पदार्थ में। शरबत मिश्रण होता है, आइसक्रीम ये भी मिश्रण होती है, दूध चीनी सब मिलाकर बनाया जाता है इसको, पीने के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है इसीलिए किसमें आएगा? शुद्ध पदार्थ में आएगा। वायु मिश्रण होती है, और 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड है तत्व होता है तो वो क्या है? शुद्ध होता है। 24 कैरेट एक्चुअल में गोल्ड है, इसलिए लिखा है क्योंकि कैसा गोल्ड है? बिल्कुल प्योर गोल्ड है, शुद्ध है, इसीलिए शुद्ध गोल्ड है, तो इसमें आएगा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। यहाँ पे हमें छाटना है कि कौन से तत्व यौगिक हैं। निम्नलिखित में से तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों को क्या करना है? वर्गीकृत करना है। कौन से पदार्थ तत्व हैं, कौन से यौगिक और कौन से मिश्रण हैं? संगमर, चीनी, नमक, सीमेंट, वायु, कोल्ड ड्रिंक, टूथपेस्ट, पारा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम आदि। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन कौन से तत्व हैं, कौन से यौगिक और कौन से मिश्रण हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्वों की। तत्व जो होते हैं उनमें से हम इनको पहचानते हैं कि एक ही तरीके के शुद्ध पदार्थ होने चाहिए, एक ही प्रकार के कण होने चाहिए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास धातुएं जितनी भी हैं या धातु जो हैं वो सब किस में आएंगी? इसमें आएंगी तत्व में। पारा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और सोडियम, ये चारों तो धातु और अधातु हैं, इसीलिए ये किस में आएंगी? तत्व में आएंगी। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक और मिश्रण दोनों ही मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक परमाणु का, लेकिन यहाँ फिक्स रेशियो होता है और यहाँ अनिश्चित अनुपात में होता है। तो हम एक निश्चित अनुपात वाले तत्व को यौगिकों को छाटते हैं। तो निश्चित अनुपात के रूप में जिनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे संगमर है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये एक यौगिक है। चीनी C12H22O11 एक निश्चित सूत्र होता है, इसीलिए क्या है? यौगिक है। नमक NaCl एक निश्चित सूत्र है, इसीलिए क्या है? यौगिक है। अब बचे हुए सीमेंट, ये मिश्रण होता है। वायु, ये भी मिश्रण होता है। और कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी मिश्रण है। टूथपेस्ट, ये भी क्या है? मिश्रण है। यहाँ पे अमाउंट किसी की भी कम, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, इसीलिए ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे? मिश्रण की श्रेणी में। ठीक है, आज का पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।